आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान कानून कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत व्यापारी सीमित मात्रा में किसान से अनाज खरीद सकते हैं और उसे स्टॉक के रूप में जमा कर सकते हैं। कानून में नामित कोई स्थायी भंडारण की सीमा या वस्तु नहीं है, मगर सरकार जरूरत पड़ने पर कुछ वस्तुओं को इनमें शामिल कर सकती है या बाहर निकाल सकती है। इसकी वजह से व्यापारियों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। इस बदलाव के बारे में विचार किया जा रहा है और सरकार के कई मंत्रालय व कई राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को तर्कसंगत बनाने पर अन्य मंत्रालयों और राज्यों से जानकारी मांगी थी। इसका मकसद किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी दरों को दिलाना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दिसंबर के मध्य में एक समिति ने यह भी माना कि ईसीए के वे दंडात्मक प्रावधान जो किसानों के हित में नहीं है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सरकार इस बजट में इन प्रावधानों को न्यायसंगत करके किसानों को बड़ा लाभ दे सकती है। न्याय नगर एक्सटेंशन में अवैध निर्माणों पर निगम का अमला शुक्रवार को सक्रिय दिखा। न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में 4 मंजिला अवैध इमारत को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सर्वटे के मुताबिक निगम से निर्देश मिले थे, जिसके बाद इमारत में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। पिछले दिनों यहां निगम द्वारा रिमूवल कार्रवाई की गई थी और बड़ी संख्या में दुकानदारों के अवैध शेड व दुकानें तोड़ दी गई थी। इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त संदीप सोनी ने कहा कि सरकारी जमीन पर बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को पहले नोटिस दिया गया था और जरूरी कागजात उपस्थित करने को भी निर्देशित किया गया था। मकान मालिक ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसके अनुसार बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरह से किया गया था। वहीं बिल्डिंग के मालिक बाबूलाल गौर का कहना है कि यह जमीन 3-4 साल पहले ली थी और जमीन और बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स भी लगातार जमा कर रहा था। उन्होंने बताया कि मैंने खेत की जमीन खरीदी थी जिस पर निर्माण किया गया था। विस्फोटक विशेषज्ञ सर्वटे ने बताया कि सामान्य विस्फोट एक्सप्लोजन मेथड से किए जाते हैं, लेकिन आसपास सघन रहवासी क्षेत्र होने के कारण इम्प्लोजन मेथड से भीतरी विस्फोट कर बिल्डिंग गिराई गई। इससे मलबा पत्थर बाहर नहीं उड़ते। जोगी निवास मरवाही सदन में चोरी का आरोप लगने के बाद बंगले की देखरेख करने वाले कर्मचारी मनवा उर्फ संतोष कौशिक ने बुधवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद घटनास्थल पहुंचे मृतक के भाई कृष्ण कुमार यादव सहित परिजनों ने आरोप लगाया कि बंगले के मालिकों ने उसे जेल भेजने की धमकी देकर डराया धमकाया था। इस वजह से उसके भाई को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिजनों के द्वारा जोगी परिवार पर लगाए गए आरोपों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी पर धारा 306(34) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। कृष्ण कुमार ने अपने भाई की मौत के लिए जोगी को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में अमित जोगी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जोगी परिवार का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कोई लेना देना नहीं था। राजनीतिक प्रतिशोध से सत्ताधारी दल के इशारे पर कल देर रात FIR दर्ज की गई। इसीलिए हम न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा CBI से जांच की मांग करते हैं। हमारे लिए सभी न्यायिक विकल्प खुले हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जोगी परिवार का इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ कोई लेना देना नहीं है। कल देर रात राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सत्ताधारी दल के प्रभाव में जो हमारे विरुद्ध FIR दर्ज करी गई है, साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा CBI से जांच होनी चाहिए और हमारे लिए इस मामले में सारे न्यायिक विकल्प खुले। सिविल लाइन TI कलीम खान ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की पुष्टि की है। पुलिस
मामले की सूक्ष्म जांच कर रही है। इस घटना से एक बार फिर जोगी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी और बेटे अमित जोगी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होने लगी है। लिंग परीक्षण की शिकायत के बाद ग्वालियर प्रशासन की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले को झांसी के जय माता दी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काफी गड़बड़ियां मिली है, साथ ही लिंग परीक्षण करते हुए भी पाया गया है। दरअसल यह कार्रवाई ग्वालियर कलेक्टर के आदेश के बाद की गई, जिसमें शिकायत मिली थी कि ग्वालियर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी महिलाओं की तलाश करती है जो गर्भवती हैं, जिसके बाद वह उन्हें लिंग परीक्षण कराने की सलाह देती है, साथ ही लिंग परीक्षण के लिए झांसी के अल्ट्रासाउंड ले जाती है, जिसके बाद कलेक्टर ने यह टीम गठित की, जिसमें दो महिला आईएएस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने झांसी के प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर जय माता दी अल्ट्रासाउंड छापामार कार्रवाई की। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि हमारे एक कार्यकर्ता महिलाओं को झांसी ले जाती है, ग्वालियर से झांसी ले जाती है और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो काम करती है। इस संबंध में सूचना मिली कि आज सुबह भी वो कुछ लोगों को ले जा रही थी। इसमें हमारी टीम द्वारा डिकॉय के रूप में नायब तहसीलदार वंदना यादव और पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम, उनको ट्रेन पर कार्यकर्ता के साथ में भेजा गया। इसके साथ में हमारी एक दूसरी टीम दीपशिखा भगत के निर्देशन में यहाँ से कार के द्वारा रवाना हुई और झांसी में जो झांसी की एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट हैं श्रीमती वान्या जी, उनके साथ में उन्होंने कोऑर्डिनेट करा और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके कार्रवाई करी गई। वहाँ पे यह ज्ञात हुआ है कि जिस डॉक्टर के नाम से अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कई ओपीडी के पर्चे मिले हैं जिसमें डॉक्टर के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार से बिना प्रॉपर कार्रवाई की, जैसे हमारा फॉर्म एफ और अन्य जो एक्ट के अंतर्गत हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको किए बिना महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, प्लस ये जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अरुणा राठौर, संतोष यादव और अल्ट्रासाउंड के मालिक राम नरेश पटेल को मौके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अरुणा राठौर ने शुरुआती दौर में तीन लिंग परीक्षण की बात कबूल की। उसके मुताबिक ग्वालियर में वह ऐसी महिलाओं को तलाश करती थी जो गर्भवती हैं। वह उन्हें झांसी में ले जाकर लिंग परीक्षण कराती थी, जिसके एवज में उसे 10,000 रुपए मिलते थे। फिलहाल अल्ट्रासाउंड के मालिक राम नरेश पटेल के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अरुणा राठौर और सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद ही लिंग परीक्षण के रैकेट का खुलासा करने वाले अफसरों को उम्मीद है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राज्य सरकार पहले ही महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न करवाते हुए पार्षदों द्वारा करवाने का फैसला ले चुकी है। इसका विपक्षी दल भाजपा ने पुरजोर विरोध किया है, लेकिन सरकार ने अपने निर्णय को वापस नहीं लिया। वहीं भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने को लेकर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। भाजपा का आरोप है कि धार्मिक और राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस बीच महापौर आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं भोपाल को दो भागों में नहीं बंटने दूंगा। अगर कोई भी भोपाल शहर के दो हिस्से करेगा तो भोपाल के महापौर आलोक शर्मा की लाश के दो हिस्से करने के बाद ही वो करेगा। किसी भी कीमत पर मैं अपने भोपाल के दो हिस्से दो टुकड़े नहीं होने दूंगा। यदि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के पत्र को वाणिज्य कर विभाग के सचिव ने मान लिया और लागू कर दिया तो छत्तीसगढ़ में तंबाकू युक्त सामान मिलने बंद हो जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने प्रदेश में तंबाकू मुक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश में तंबाकू युक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू की बाजार में अवैध बिक्री हो रही है। इसे खाकर बड़ी संख्या में लोग दंत रोगों, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। शासन के स्वास्थ्य बजट पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई परीक्षणों से यह भी पुष्टि हुई है कि पान मसालों में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाई गई है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए प्रदेश में तंबाकू युक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू पर तत्काल प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। छिंदवाड़ा के परासिये पेंच क्षेत्र की बंद खदानों से लंबे समय से हो रही कोयला चोरी को लेकर भारतीय मजदूर संघ सामने आ गया है। मजदूर संघ ने तहसीलदार वीर बहादुर ध्रुवे को प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र की
बंद पड़ी खदानों से बड़े पैमाने पर लगातार कोयला निकाला जा रहा है। ग्रामीण लोगों के द्वारा कोयला निकालने से जान का खतरा बना हुआ है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बीएमएस पदाधिकारियों का आरोप है कि जो लोग अवैध कोयले का धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि पेंच क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बड़ा स्टाफ है। प्रबंधन के द्वारा कोयला चोरी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज दिनांक 17/1/2020 को महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष कोलांचल, विशेष रूप से हमारा परासिया परिक्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, जो खदानें बंद हो चुकी है, व्यापक पैमाने में कोयले की चोरी हो रही है। शासन प्रशासन प्रबंधन इस कोयला चोरी रोकने में नाकाम है, अक्षम है। इसलिए आज हम CMD WCL को GM साहब के माध्यम से और ऐसे ही SDM साहब को माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ज्ञापन प्रसिद्ध करेंगे। उनसे अनुरोध करेंगे जो एक कोयला चोरी अवैध रूप से हो रही है, उन लोगों को क्या बोलते कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर। और खासकर आने वाले समय में एक भीषण दुर्घटना भी हो सकती है, उसमें काफ़ी गरीब लोग हैं जिन लोगों से अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे तत्काल इन पर विराम लगे, इसे तो आज ज्ञापन हम लोग प्रसिद्ध करेंगे। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर प्रबंधन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी 27 जनवरी को बिजी साइडिंग में अनिश्चितकालीन कोयला परिवहन बंद किया जाएगा। शहर से महज 11 किलोमीटर दूर है अशोका टोल प्लाजा, जहां भाजपा शासनकाल के दौरान अशोका कंपनी द्वारा टोल प्लाजा स्थापित किया गया था। दरअसल यह टोल अभी जिस स्थान पर लगा है उसे ठीक विपरीत दिशा में शहर से 24 किलोमीटर दूर होना था, जिसके विरोध में उस समय भी रहवासियों ने आंदोलन किया था। तब भाजपा सरकार द्वारा जिले के वाहनों को टोल टैक्स मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब जब से केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी टोल प्लाजा में फास्टैग लागू किया गया है, तब से टोल संचालक द्वारा जिले के वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाने लगा है और जिले वासियों को भी फास्टैग लगाने को कहा गया है, जो अब विवाद का कारण बन गया है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शहरवासियों ने पहले भी कई बार टोल प्लाजा पहुंचकर जिले के वाहनों को टोल टैक्स मुक्त करने की बात प्रशासन और टोल प्रशासन से की, लेकिन टोल प्लाजा से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई रुचि नहीं ली। टोल प्रशासन को शहर के सभी संगठनों ने 15 तारीख तक का समय बातचीत के लिए दिया, लेकिन टोल अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगे, जिससे नाराज होकर हजारों की संख्या में शहर की जनता ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। मगर बात बढ़ गई और गुस्साई भीड़ में हंगामा कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब तक ये टोल प्लाजा यहाँ से नहीं हटेगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले हैं। अगर इनको जितने दिन यहाँ टोल प्लाजा रखना है, हमारी टोटल CG08 गाड़ियों को फ्री रखना पड़ेगा, किसी का हम कोई पैसा नहीं देंगे, टोटल गाड़ियाँ हमारी फ्री जाएंगी यहाँ से। अब यहाँ ले जाए हमारे कोई आपत्ति, यहाँ से उठा के अगर इनको टप्पा लेके जाना है, जहाँ चिचोला लेके जाना है वहाँ ले जा सकते। अभी किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, किसी ने हमारे से कोई बात करने की। भीड़ ने टोल प्लाजा में बने सभी केबिनों को तोड़ दिया। मौके पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ भी गुस्साए भीड़ ने झूमाझटकी की, जिसके चलते पुलिस ने भी किनारा कर लिया और पूरा तमाशा दूर खड़े होकर देखा। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर टोल टैक्स मुक्त नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी होगा। गुस्साए लोगों की समस्या के निराकरण के लिए निगम की महापौर ने तो मौके पर ही टोल प्लाजा के बाजू से JCB मशीन से बाईपास रोड का निर्माण करवा डाला, जिससे आसपास के लोग टोल प्लाजा मार्ग से जाने से बच जाए। आज यहाँ पहुँचे थे कि CG08 हो, चाहे राजनांदगांव के रहवासियों की जो भी गाड़ी हो, जिनके पास राजनांदगांव का अधिकार है, आधार कार्ड है, उन गाड़ियों को पहले की तरह निःशुल्क किया जाए। हमने बहुत बार बातचीत की, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में करेंगे, आज हम शांति के साथ पहुँचे थे क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के पुजारी हैं, अहिंसा को मानते हैं। हम आए और हमने बैठकर धरना दिया और मांग की कि यहाँ पे से या तो टोल प्लाजा हटाया जाए, क्योंकि नियमानुसार तो यहाँ पे टोल प्लाजा लग ही नहीं सकता, क्योंकि जो लॉ है, जो नियम है, उसके अनुसार 60 किलोमीटर में होनी चाहिए। और ऐसे भी RTI से जब निकाला गया तो ये टप्पा में निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बनाया गया और इस तरह अवैध असली करके राजनांदगांव की जनता को परेशान किया। जनता ने अपने हित की मांग के लिए हम सामने आए, जनता के हितों की मांग के लिए, और अपनी बात रखने की कोशिश की और यहाँ पे हम बैठे हैं। अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए, तो निश्चित रूप से ये हमारा
जारी रहेगा जब तक वो आए नहीं और जब तक के यहाँ से हटाने की बात ना करे। पिछले दिनों टोल प्लाजा पे राजनांदगांव पासी वाहनों को निःशुल्क आने जाने की बात को लेकर के जन समूह ने एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के दौरान मैनेजमेंट की ओर से और NHAI की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर के चर्चा करें इस पर, और दो दिन का समय दिया गया था। इसके उस अवधि के बीतने के बाद आज यहाँ पे सर्वदलीय मंच के द्वारा यहाँ इकट्ठा होकर के और अपने वाहनों को निःशुल्क किए जाने की बात की जा रही थी। इसी में से कुछ आक्रोशित जो है जनमानस के द्वारा यहाँ टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई। गांधीनगर के मुख्य मार्ग पर पार्षद राजकुमारी मीणा के पति राजू मीणा ने सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण करवा दिया था, जिसकी शिकायत पिछले कई महीनों से की जा रही थी। इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रशासन ने दुकानें तोड़ दी। कार्रवाई का छुटपुट तरीके से विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने किसी की एक नहीं सुनी और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान SDM तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार भूमाफियाओं और अपराधियों पर जारी रहेगी। मेरा जो आपसे यही कहना है कि तहसीलदार के द्वारा शासकीय भूमि होने के कारण मध्य प्रदेश विवाद संहिता की धारा 248 के तहत बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। मेरे नाम का नहीं है, मेरे पिताजी का नाम था, उनके ऊपर अधिकारी के ऊपर कर रही है। मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच आए दिन चोरी, लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं। अपराधियों को अब पुलिस का नाम मात्र का भी डर नहीं रह गया है, जिसके कारण वह खुलेआम ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। रीवा के बैकुंठपुर में 14 वर्षीय मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बच्ची के गाँव के दो वहशी दरिंदों ने उसे कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। जब मामले की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी तो उन्होंने कमरे में जाकर बच्ची को छुड़ाया और दोनों अपराधियों को अपने पकड़ में रखा और इसकी सूचना परिजनों ने संबंधित थाने को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ दो लड़के रात में 9:30 बजे हमको लड़की मिली, कहाँ मिली, उसी बस्ती के अंदर के साथ गलत करते दोनों लड़के। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। थाना पड़ता है हमारे जिला रीवा में, वहां पे एक बच्ची है जो 13 साल के आसपास उसकी उम्र है और बोलने और सुनने की शक्तियां नहीं है उसके पास, और उसके फादर ने कंप्लेंट की है कि दो लड़कों ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है, उसने पकड़ा भी है उनको एज ए विटनेस। और उसके बाद बैकुंठपुर थाने में केस रजिस्टर किया गया है जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं 376 के और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, और दोनों ही जो हमारे अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में एक आरोपी के नाबालिग होने के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है और एक बालिक आरोपी है उसमें। सिंगरौली में क्राइस्ट ज्योति स्कूल के 9वीं के छात्र आदेश सिंह ने महज 15 साल की उम्र में विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर किताब लिखी, जिसे दिल्ली के मशहूर ब्लू रोज पब्लिशर ने पब्लिश किया। आदेश की इस सफलता से उसके माता पिता सहित स्कूल के शिक्षक भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं आदेश सिंह ने बताया कि मेरी इस उपलब्धि में मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मैकेनाइजेशन नाम की इस किताब में बड़ी बारीकी से साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। किताब में भविष्य की टेक्नोलॉजी, उसके प्रकार और आने वाले समय में स्मार्टफोन और कंप्यूटर के पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है। साथ ही भविष्य में टेक्नोलॉजी का शिक्षा के साथ समाज पर क्या असर होगा, यह भी बखूबी बताया गया है। आदेश की यह पुस्तक पब्लिशर के अलावा ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉप क्लू पर भी उपलब्ध है। आदेश के पिता नागेंद्र प्रताप सिंह सिंगरौली जिले के मोरबा में थाना प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि 13 साल की उम्र में आदेश ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया था, जो YouTube पर चैनल बनाकर कई तकनीकों की जानकारी देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएंगे तो ह्यूमन वर्क बहुत ही कम हो जाएगा, जैसे हमारा भारत देश है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा,
आने वाले टाइम में रोबोट डॉक्टर, रोबोट टीचर, ऐसी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आ जाएंगी तो ह्यूमन वर्क बहुत ही कम हो जाएगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट टेक्नोलॉजी का। इसका मोटिवेशन मेरे को इलॉन मस्क से मिला। इलॉन मस्क एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी इंसान है, स्पेस एक्स और टेस्ला उन्हीं की कंपनी है, मैं उनका बहुत ही बड़ा वो मेरे रोल मॉडल है, तो मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ और स्टीफन हॉकिंग, तो इनकी बुक्स पढ़ के मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली इस बुक को लिखने। इस बुक को लिखने मुझे ऑलमोस्ट 3.5 महीने लगे। जगदलपुर नगर सरकार के नवनिर्वाचित महापौर और सभापति को सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करना था, मगर किसी कारणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में नगर सरकार ने पदभार ग्रहण किया। वैसे तो 4 जनवरी को ही शहर को नए महापौर शरीफा साहू और सभापति कविता साहू मिल चुके थे, लेकिन कांग्रेस पदभार ग्रहण का समारोह शक्ति प्रदर्शन के लिए करना चाहती थी। मंत्रियों ने मिशन कंपाउंड में नवनिर्वाचित महापौर को सभापति का पदभार ग्रहण करवाया और इस दौरान जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा भी की। जगदलपुर में आज मंत्रियों के द्वारा मधुर गुड योजना का भी शुभारंभ किया गया। मंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप जो बहुआयामी एक योजना है जो स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर मानक से कम रिपोर्ट आया था महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी आई थी, उसको दूर करने के लिए मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ करना था, जिसका शुरुआत बस्तर से होना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग आए, माननीय कवासी लखमा जी, माननीय डॉक्टर उपेंद्र साय सिंह जी, माननीय सांसदगण और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की उपस्थिति में आज यहाँ पर शुभारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशानुसार सिंगरौली में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह अपनी यातायात पुलिस की टीम के साथ बरगवा खुटार के भीड़भाड़ वाली जगहों पर बाजार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे लोगों को सुरक्षा को लेकर समझाइश दी। यातायात पुलिस ने कहा कि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए अपनी सुरक्षा और घर में आपके लिए इंतजार कर रहे अपनों के लिए हेलमेट व सेफ्टी बेल्ट लगाएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है, दुर्घटना बताकर नहीं आती। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल लिखे पर्चे दिए और उसे पढ़कर भी सुनाया। एलईडी वैन और यातायात रथ के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। सड़क सुरक्षा में हमारा जो मेन इंटेंशन है, मेन मोटिव है, एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है पूरा जिला पुलिस सिंगरौली का, कि रोड पर एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए और एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ नहीं होना चाहिए। वही मुहिम लगातार चला रहे हैं, जिला मुख्यालय पर भी चला रहे थे, बाहर भी चला रहे हैं। उसी कड़ी में हमने आज रजमिलान और बंधुरा के पास में एसआर प्लांट के अंदर एक स्कूल है, सरस्वती स्कूल, वहाँ हमने बच्चों को आज शिक्षित किया है, उनको बताया है रोड अवेयरनेस के बारे में, और उसके बाद में हमने बाहर आकर के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया है कि सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हेलमेट और सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखें और रोड पर जब भी चलें अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। छतरपुर में यातायात सप्ताह के तहत ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस ने अनोखे अंदाज में यातायात के नियम पालन करने वालों को रोककर गुलाब का फूल भेंट किया, और जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर यातायात को चुनौती दे रहे थे उनके गले में फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और वाहन चालक को बताया कि यातायात नियम का पालन न करने पर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए माला पहनाकर उन्हें सावधान किया जा रहा है। यातायात प्रभारी ने बताया कि लोगों को समझाने के लिए गांधीगिरी का सहारा लिया जा रहा है, इसके बाद इन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत छतरपुर शहर में जगह बदल बदल कर लोगों को यातायात नियमों की जागरूकता की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए बकायदा नाटक नौटंकी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो यातायात नियमों का पालन करें। आज इसी के तहत चौराहों पर गुलाब के फूल, जिन लोगों ने हेलमेट पहने थे, जो तीन सवारी वाले वाहन चालक थे उनको फूल की मालाएं पहनाई गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इनको संदेश दिया गया कि तीन सवारी ना बैठा ले, हेलमेट का उपयोग करें, जब 18 साल की हो जाए, जब आपका लाइसेंस बन जाए, तब आप गाड़ी चला सकें। टीकमगढ़ में थाना बमोरी कला के ग्राम प्रतापपुर तिराहा के पास बोरे में बंद एक लाश मिली, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान जय कुमार अहिरवार के रूप में हुई है, जो कि पचौरा का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक करीब 3 दिन से घर से लापता था।
मृतक युवक झांसी में ट्रक चलाता था। 14 तारीख की रात को 7 बजे वो घर से निकला और फिर वापस घर नहीं पहुंचा। हत्या किसने की इसका भी पता नहीं चल पाया है। युवक की हत्या करने के बाद लाश को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक कर आरोपी फरार हो गए। एसडीओपी जतारा अपनी टीम के साथ हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। जब हमने आके देखा यहाँ पर एक बोरे में एक लाश पड़ी हुई थी जो बाद में जय कुमार अहिरवार के नाम से शिनाख्त हुई है। ग्राम पचोरा का रहने वाला है ये। संभवतः नहीं हत्या का प्रकरण है ये। इस प्रकार से इसका जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं यहाँ पर हत्या हुई है इसकी और हत्या करने के बाद इसको यहाँ डाल दिया गया है जी। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है हमारा जी। निकाल लेंगे जतारा भगोरी किला के अंतर्गत जतारा भगोरी का रोड पर एक बिल्डिंग मिली है तो जय किशोर अहिरवार ग्राम पचोरा की के संबंध में है। और ये जो बॉडी है ये लगभग 14 तारीख की दिनांक रात में ये 11 बजे के बाद से गायब हो गई थी। अभी तक शव का निरीक्षण किया गया देखा गया है तो प्रथम दस्तावेज लग रहा है कि ये इसको मारा कहीं गया है और फेंका यहाँ गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बाकी पीएम में और स्थिति जो शरीर पर जो उसके चोटें हैं वो किस प्रकार की हैं तो उस पर पीएम में खुलासा हो जाएगा। सवाल हत्या करने वाले आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के भाई का कहना है कि रंजिश के चलते उसके भाई की हत्या की गई है। मृतक के भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके भाई का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या की होगी। 14 तारीख की शाम भी आए 10 बजे झांसी से। अब 10 बजे के बाद नहीं पता कि किसको फोन आओ कि नहीं उनका फोन लगा पर रात ऐसे गायब है। अच्छा कितनी 14 तारीख की रात से? हाँ 10-11 बजे का वो फोन आओ फिर जो पता नहीं कि वो सो गाओ और फिर दोबारा का उन्हें फोन लगाओ कि जब ही लोग आ गए। तो आपने पता किया? पता किया गाँव में तब यहाँ देखा क्यों पता नहीं लगा पूछी के गांव में हुई है काउ की यहाँ तो रात में आ जाएगा तो रात में नहीं आओ उसमें रपूट कर भी थाने आए तो उधर थाने में रपूट तो वे पुलिस वाले बोले कि तुम्हारी एक लाश वहाँ डली पहले वो देखा वो ना हो तुम्हारी यहाँ आए तो सर देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा भाई है उसका सर देखा तो मेरा भाई ही है छोटा सब कमलेश के ऊपर और एक आनंदपुरा का रामपाल है वो जरिया वाले को नौनिया उसका और एक और रिश्तेदार है उसका पता नहीं। निवाड़ी जिले के उबेरा में गढ़कुंडार की ओर से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार छात्र प्री बोर्ड की परीक्षा देकर अपने गांव जा रहा था इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस घटना की राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। 1:30 बजे करीब स्कॉर्पियो चली आ रही थी MP16BD ये जो है ना 1088 नंबर की स्कॉर्पियो ये कुड़ा तरफ से आ रही थी 1:30 बजे करीब। इधर से राजकुमार पिता जयराम और उसका भाई महेश पिता जयराम जी दोनों मोटरसाइकिल से अपने गांव से चावली जा रहे थे परीक्षा देके तो उसने लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी जिससे राजकुमार को चोटें लगी और महेश को भी लगी। घायल को तत्काल उपचार के लिए निवाड़ी CSC भेज दिया गया है। कांकेर में परलकोट क्षेत्र का प्रसिद्ध नर नारायण सेवाश्रम मेले का मकर संक्रांति के अवसर पर शुभारंभ हुआ। बताया जाता है कि ईश्वर का अवतार माने जाने वाले स्वामी सत्यानंद परमहंस के अनुयायियों द्वारा 56 वर्ष पूर्व इस मेले की शुरुआत की गई थी। तब से अब तक प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से यह मेला प्रारंभ होता रहा है। इसमें देश सहित विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां करोड़ों का कारोबार होता है। शुरुआत में यह मेला केवल एक दिन का ही होता था। परलकोट का यह प्रसिद्ध मेला न केवल श्रद्धालुओं की आस्था के लिए जाना जाता है बल्कि इस मेले में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार भी होता है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। मेले में आमजन को कोई असुविधा ना हो इसके लिए पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। महान महिला मंडल के हिंडाल्को महान की CSR के सहयोग से मकर संक्रांति पर्व पर सिंगरौली के बैंढन ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत गरीब बच्चों को भोजन करवाया। साथ ही गांव के पास निवासरत महिलाओं और बच्चों को मकर संक्रांति के उपलक्ष में खिचड़ी लड्डू चॉकलेट खिलाई। महिला मंडल हर वर्ष गरीबों के साथ इस तरह के त्योहार मनाता आया है। महान महिला मंडल की अध्यक्ष जयश्री सोमानी ने कहा कि परंपरा है कि हम लोग गरीब बच्चों के संग इस तरह के त्योहार मनाते रहे। महान महिला मंडल की टीम को सभी लेडीज को मैं अपने साथ लेके आई हूँ एक स्कूल में खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम सब लेडीज मिलके एक साथ इकट्ठे होकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
और यहाँ पे स्कूल में आके सभी बच्चों को, सभी लेडीज को मिठाई, खिचड़ी, सब्जी सबको खिलाते हैं। बड़े बच्चे खुश हुए, बोले बहुत अच्छा बना है। और मैं चाहती हूँ CSR के साथ हम लोग करते हैं, तो CSR के साथ हम लोग आए हैं। वहीं बच्चों व महिलाओं ने इस कार्यक्रम के प्रति खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में महिला मंडल की उपाध्यक्ष सुमा मुखर्जी, सचिव हिमानी पांडे मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच जितेंद्र द्विवेदी के साथ ही CSR प्रमुख यशवंत कुमार की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। सरपंच जितेंद्र द्विवेदी ने इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों का आभार व्यक्त किया। महिला मंडल की उपाध्यक्ष सुमा मुखर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम गरीब बच्चों के लिए रखा गया था और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे। हम लोग हर साल स्कूल के बच्चों को खाना खिलाते हैं। इस साल भी हमने इस गांव में आकर 250 करीब बच्चों को और लेडीज़ को हमने खाना खिलाया है, और हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे महिला मंडल की तरफ से हम कुछ लेडीज़ अपना कंट्रीब्यूट करके लोगों को ऐसे खाना खिलाते हैं, और इस माध्यम से हम संक्रांति मनाते हैं। सिद्धभाव के सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षक ऑर्गेनाइजेशन ने सिद्धभाव को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में सिद्धभाव ने कहा कि मैं संस्था का हृदय से आभारी हूं। यह सम्मान मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु भाइयों, विद्यार्थियों एवं मेरे सभी शिक्षकों का है। उन्होंने कहा, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अंध अपनी माँ की प्रत्येक बातों का अनुसरण करें। संत जी सदैव कहते थे कि माँ अपने वात्सल्य भाव से हमारी प्रत्येक भावना को समझती है। यहाँ जीव सेवा के संस्थान के महेश दया रामानी ने बताया कि संत हृदयराम जी एवं सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में कई सेवा कार्य संत नगर सहित आसपास क्षेत्र में चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव परम सिद्ध सिद्ध भाव जी के का सम्मान करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मानवाधिकार संस्था के सभी उच्च पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष रूप से कुछ पदाधिकारी कानपुर से भी यहाँ पर आए हुए हैं, और हर एक पदाधिकारी ने सिद्धभाव जी का सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, और सिद्धभाव जी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये आशा व्यक्त की कि उनमें जो भी गुण उन्होंने बताए हैं, उनमें जो भी गुण और सद्भाव को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है वो अवश्य करेंगे। पुलिस कोतवाली में एक बालक का जन्मदिन मनाया जाना एक खबर बन गया। जगदलपुर का रहने वाला 5 साल का दक्ष पुलिस वालों का बड़ा फैन है। पुलिस के प्रति उसकी दीवानगी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पुलिस को देखकर वह बेहद खुश हो जाया करता है। माता पिता के साथ बाजार जाते समय वह पुलिस को देखकर उसके पास जाने की जिद करने लगता है, जबकि दक्ष के परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस या फोर्स में नौकरी नहीं करता। दक्ष पिछले 2 हफ्ते से पुलिस की ड्रेस लाने के लिए परिवार वालों से कह रहा था। यहाँ तक कि वह पुलिस वाले अंकल के साथ केक काटने की भी लगातार जिद कर रहा था। दक्ष के परिवार में किसी का भी परिचय पुलिस विभाग में किसी से भी नहीं था। बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मजबूरी में बच्चे के पिता और चाचा ने डर और संकोच के साथ जगदलपुर कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर धनंजय सिन्हा को बच्चे की इच्छा और जिद से अवगत कराया। बच्चा जो है हमारा पुलिस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, बचपन से ही बहुत इंप्रेस्ड है। ये हमेशा पुलिस के उस पे लगा रहता है, इसलिए हम लोग सोचे आज इसका बर्थडे है तो पुलिस वालों के साथ मनाया जाए। पुलिस थाने वालों ने भी काफी सहयोग किया, PI साहब भी आए थे, बड़ा अच्छा लगा। कोतवाली प्रभारी ने भी इस बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए उसका जन्मदिन कोतवाली में पुलिस जवानों के साथ मनाने की इजाज़त दे दी। बस फिर क्या था, दक्ष का जन्मदिन धूमधाम से पुलिस के साथ मनाया गया। तमाम व्यवस्था के बावजूद कोतवाली में केक मंगवाया गया और पूरे उत्साह के साथ दक्ष का जन्मदिन मनाया गया। एक नन्हे फैन के लिए पुलिस अफसर और जवानों का संवेदनशील चेहरा सबके सामने आया। ये अभी अभी हमको भी पता चला कि ये दक्ष है, ये पुलिस को काफ़ी पसंद करता है, और घर में सुबह से जिद कर रहा था कि मैं पुलिस थाने जाऊंगा और पुलिस वालों के साथ मिलके जन्मदिन मनाऊंगा। तो दक्ष अभी आया है और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ उसका जन्मदिन का केक काट के उसको खूब सारी बधाई दी है और खूब सारा गिफ्ट दे के इसको यहाँ से भेजेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।